हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रबी क्रॉप्स। ओके, डिटेल में वीडियो रहेगा, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रबी क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करके कैसे हाइब्रिड फॉर्म करेंगे। ओके चले देखते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर रबी क्रॉप्स इन्वॉल्व कंट्रोल्ड पोलिनेशन। ओके, यहां पे हम लोग करेंगे सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इन आवर रबी क्रॉप्स। ओके, रबी क्रॉप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करेंगे। ओके, जिसमें हम लोग करेंगे कंट्रोल्ड पोलिनेशन, यानी कि जो पोलिनेशन होगा वह अंडर कंट्रोल होगा, वह हमारे कंट्रोल में होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, यानी कि जिससे चाहेंगे उससे क्रॉस करा पाएंगे। ओके, यानी कि सेम वैरायटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टेक्निक टू अचीव डिजायर्ड जेनेटिक ट्रेट, हमारा मेन लक्ष्य क्या रहेगा कि हमें डिजायर्ड ट्रेट मिले। यानी कि हम लोग भाई सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं, इसमें पैसा लग रहा है, तो इसमें हमारा जो हमारा क्या अचीवमेंट रहना चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमारा चाहिए भाई हमको जो डिजायर्ड ट्रेट है वो हमें मिल जाए, यानी कि जो हमारा जो हमें लक्षण चाहिए अपने फसल से वह हमें मिल जाए इन द ऑफस्प्रिंग। ओके, हेयर आर द की स्टेप्स टिपिकली इन्वॉल्व इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन फॉर रबी क्रॉप्स। चलिए कुछ स्टेप में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए रबी क्रॉप्स में। ओके चले देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल लाइन, यानी कि पहले तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे पेरेंट लाइन को। आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट सुपीरियर पेरेंटल लाइन विथ डिजायरेबल ट्रेट सच एज हाई यील्ड। ओके देखिए, यहाँ तक हम आपको समझा देते हैं आगे। पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा हमारा जो है सिलेक्ट सुपीरियर हाइब्रिड है जिससे हम लोग को क्रॉस कराना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पहचानेंगे, सिलेक्ट सुपीरियर पेरेंटल लाइन सिलेक्ट करेंगे विथ डिजायरेबल ट्रेट, यानी कि उसके अंदर ये ट्रेट रहना चाहिए, लक्षण रहना चाहिए। जैसे कि आपको अगर हाई यील्ड का चाहिए तो वो भी डिजीज रेजिस्टेंट रहे उसके अंदर, एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट। ओके, अलग अलग उनकी विशेषताएं भी हों। दिस लाइन शुड आल्सो हैव गुड कंबाइनिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायरेबल हाइब्रिड, और इस तरीके से ऐसा होना चाहिए कि जो आप ट्रेट डिजायर्ड किए हैं वह प्रोड्यूस करे। ओके, डिजायरेबल हाइब्रिड के रूप में, दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए हम लोग, सिलेक्ट किए पेरेंट लाइन को विथ आवर डिजायरेबल ट्रेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट आइसोलेशन एंड ईमेस्कुलेशन। ओके, आइसोलेशन आप लोग पढ़े होंगे, पूरा आइसोलेटेड यानी कि पूरा क्लोज सिस्टम होता था। ईमेस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके चलिए देखते हैं इसमें। इनश्योर फिजिकल आइसोलेशन, हम लोग इसमें फिजिकल आइसोलेशन करते हैं बाई डिस्टेंस और बैरियर, दूर रख के या बैरियर का इस्तेमाल करके बिटवीन डिफरेंट पेरेंटल लाइन टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पोलिनेशन, जिससे जो पेरेंट हैं वह हम नहीं चाहते हैं कि वह आपस में क्रॉस करें, यानी कि क्रॉस पोलिनेट करें, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिजिकल आइसोलेशन का, यानी कि दूर रख के, डिस्टेंस रख के, या तो उसमें बैरियर लगा के। ओके, ईमेस्कुलेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईमेस्कुलेशन क्या होता है, वह रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो एंथर होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब भाई आप अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही हटा देंगे तो कैसे क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, कभी सेल्फ पोलिनेशन होगा, नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको कराना है जो ये सीड प्रोडक्शन करना है, यह हमको अपने हिसाब से करना है, यानी कि अब पूरा जो पोलिनेशन रहेगा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ये, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ईमेस्कुलेशन करा देंगे, क्योंकि ऐसा है कि क्रॉस कराना है हमको खुद जो हम लोग डिजायर ट्रेट चाहिए। आप ऐसा है कि यहाँ पे जो ईमेस्कुलेशन का प्रोसेस करिए, जो मेल पार्ट है एंथर है उसको यहाँ से निकाल दीजिए ताकि हम डिजायर ट्रेट वहाँ पे रख सकें। ओके, तो अभी तक क्या हम लोग पढ़े इसमें कि हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं एंथर को।
फ्रॉम द फीमेल पेरेंट टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब भाई अगर आप हटा देंगे तो जो फीमेल पेरेंट है इससे प्रिवेंट कर पाएंगे सेल्फ पोलिनेशन को, यानी कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंथर हट गया तो अब फीमेल वहाँ पे सेफ है, यानी कि अब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, अब हम लोग वहाँ पे अपना प्रक्रिया करेंगे। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट पोलिनेशन। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, पोलिनेशन करेंगे। कंट्रोल्ड पोलिनेशन इज कैरीड आउट बाय ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम द सिलेक्टेड मेल पेरेंट टू द इमेस्कुलेटेड फीमेल पेरेंट। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, पोलिनेशन कराएंगे। कंट्रोल्ड पोलिनेशन इज कैरीड आउट बाय ट्रांसफरिंग पोलन। अब हम लोग पोलन का ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द सिलेक्टेड मेल पेरेंट, जो कि हम लोग सिलेक्ट किए हैं मेल पेरेंट को, उसका जो पोलन ग्रेन है वह हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इमेस्कुलेटेड फीमेल पेरेंट, जो हम एंथर कार्ड दिए थे ना अपने लास्ट जो सेम फ्लावर था, तो वो जो फीमेल पेरेंट है वहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ओके दिस इंश्योर द दैट ओनली डिजायर ट्रेट आर पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग, और इस तरीके से जो हमारा डिजायर ट्रेट है वह पास हो पाएगा और उससे ऑफस्प्रिंग क्रिएट होगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है आपका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अब भाई पोलिनेशन हो गया तो अब वहाँ पे हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन होगा, ओके प्रोडक्शन होगा उनका। प्लांट द सिलेक्टेड पेरेंटल लाइन इन स्पेसिफिक प्लॉट अरेंज्ड इन ए ब्लॉक और रो डिजाइन टू फैसिलिटेट कंट्रोल्ड पोलिनेशन एंड सीड प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जो प्लांट है उसको हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं इन्हें स्पेसिफिक प्लॉट, अलग अलग स्पेसिफिक प्लॉट में अरेंज किए हैं ब्लॉक या रो डिजाइन में, जिससे कि फैसिलिटेट कर पाए कंट्रोल्ड पोलिनेशन, ओके जिससे सीड प्रोडक्शन हो। डेट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट रॉगिंग। ओके रेगुलरली रिमूव एनी ऑफ टाइप और अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लॉट टू मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, रेगुलरली रिमूव करेंगे, यानी कि लगातार हम लोग रिमूव करते जाएंगे ऑफ टाइप और अनवांटेड प्लांट, यानी कि जो हमें पौधे नहीं चाहिए उनको हम लोग रिमूव कर देंगे फ्रॉम द प्रोडक्शन जब पैदावार होता रहेगा प्लांट। ओके प्लांट टू मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, जिससे कि जो जो हमारा पौधा है उसमें जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहे। ओके दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्ट मैच्योर सीड फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट एंड प्रोसेस देम टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड इंश्योर सीड क्वालिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे किसको, मैच्योर सीड को, जो सीड मैच्योर हो गए होंगे उनको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, उनकी कटाई करेंगे फ्रॉम द हाइब्रिड प्लांट, जो हमारा हाइब्रिड प्लांट है उससे। ओके एंड प्रोसेस देम टू रिमूव इम्प्योरिटी, और वही प्रोसेस करेंगे और उनसे इम्प्योरिटीज को निकालेंगे जिससे इंश्योर करेंगे हमारी सीड की जो क्वालिटी है वह अच्छी रहे। ओके यही है हमारा नेक्स्ट। चलिए देखते हैं सेवेंथ पॉइंट, सीड टेस्टिंग। अब भाई सीड टेस्टिंग भी जरूरी है, देख लेंगे नहीं डिजायरेबल ट्रेट है कि नहीं है, जेनेटिक प्योरिटी है कि नहीं है। ओके कंडक्ट सीड टेस्टिंग फॉर जर्मिनेशन रेट। अब हम लोग देखेंगे सीड टेस्टिंग करेंगे जिससे हम लोग पता लगाएंगे जर्मिनेशन रेट क्या है, ओके प्योरिटी कितना है, जेनेटिक आइडेंटिटी करेंगे हम लोग इंश्योर। ओके हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड, जो हाई क्वालिटी की हमारी हाइब्रिड सीड है उसका हम लोग क्या करेंगे, जर्मिनेशन रेट देखेंगे, प्योरिटी देखेंगे और उसकी जेनेटिक आइडेंटिटी प्रॉपर देखेंगे, यानी कि हम लोग सीड टेस्टिंग अच्छे से कर लेंगे। ओके कि नहीं जो डिजायरेबल ट्रेट है कि नहीं है, क्या जेनेटिक प्योरिटी है इसमें, जर्मिनेशन रेट क्या है, तो ये सब हम लोग पता लगा लेंगे। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट एट्थ पॉइंट। लास्ट एट्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके पैक द हाइब्रिड सीड इन सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल विथ प्रॉपर लेबलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू फार्मर थ्रू सीड कंपनी और एग्रीकल्चरल एजेंसीज। अब देखिए लास्ट में बात करेंगे हम लोग पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया सब कुछ हम लोग हमारा कंप्लीट, लास्ट में हम लोग पैकेजिंग करेंगे उसे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसे, फार्मर्स को या एग्रीकल्चरल जो कंपनी है। ओके पैक द हाइब्रिड सीड इन सुटेबल पैकेजिंग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैक करेंगे हाइब्रिड सीड को सुटेबल तरीके से, पैकेजिंग करेंगे मटेरियल विथ
प्रॉपर लेबलिंग, उस पर लेबल लगाएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद हम लोग उसको बांट देंगे देम टू फार्मर, यानी किसानों को थ्रू सीड कंपनी, अलग अलग सीड कंपनियों को और एग्रीकल्चरल जो एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो स्टूडेंट यही हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगता है यार पढ़ाने में, एक टॉपिक समझाने में, और भाई गर्मी है तो फिर पूछो मेहनत बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।